सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिमाचल में कोरोना वायरस अब तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हिमाचल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। इसके अलावा 301 लोग ऐसे हैं जो अब भी अस्पताल में भर्ती हैं और कोरोना से पीड़ित हैं। हालांकि 746 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नगर परिषद नाहन गंभीर है। नगर परिषद द्वारा कई ऐसे कदम शहर में उठाए जा रहे हैं जिससे शहर में संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। नगर परिषद द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थानों पर जहां हैंड सैनिटाइजर लगाए गए हैं, वहीं पानी की अतिरिक्त टंकियां भी लगाई गई हैं। साथ ही शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए गए जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी जानकारी दी गई है। नगर परिषद नाहन द्वारा जब से COVID-19 शुरू हुआ है, पूरे शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड 10% का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका परिषद द्वारा 13 आदमी लगाए गए हैं जो नियमित रूप से इसकी सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद नाहन ने जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उनमें से कुछ स्थान पर पानी की टंकी जो हाथ धोने के लिए इस्तेमाल की जाएगी वो लगा दी हैं, और 4 स्थान पर अभी हम लगाने जा रहे हैं जहाँ पे पानी का प्रयोग साधारण नागरिक कर सकेंगे। उसके साथ ही उन्हें साबुन भी वहां पे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां लगभग सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना का लाखों परिवारों को लाभ मिला है। अब महिलाओं को रसोई गैस के धुएं के दुष्प्रभाव से छुटकारा मिल चुका है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार ने कहा कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है क्योंकि अब उन्हें लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश भर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन हर घर में पहुंचाने के लिए प्रयास किया। उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी 1,36,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन मिला है, मुफ्त में मिला है। लेकिन इसके बाद जो बचे परिवार हैं जिनको गैस का कनेक्शन नहीं मिला, उनको हम प्रदेश सरकार की ओर से यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो हमने हिमाचल प्रदेश में उसी उज्ज्वला योजना को आगे बढ़ा करके गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। इधर हिमाचल के शिमला में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने मंत्री का घेराव करने वाली महिलाओं के खिलाफ की गई FIR वापस लेने की मांग की है। बता दें कि लाहौल स्पीति के काजा में 9 जून को स्थानीय महिलाओं ने कोरोना खतरे के वायरस को देखते हुए कृषि मंत्री का काफिला रोक लिया था और उन्हें काजा में प्रवेश नहीं करने दिया था, जिसके बाद पुलिस ने काजा गांव की 200 अज्ञात महिलाओं पर मामला दर्ज किया था। स्पीति में जो 200 लगभग 200 महिलाओं के खिलाफ जो FIR हुई है उसमें हम लोग इसकी निंदा करते हैं और हम आग्रह करेंगे सरकार से कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से ही जो हवाला दिया जा रहा है हमने उसमें भी देखा है। तो दोनों तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहने थे, वो तो दोनों तरफ से ही हुआ है। और इतनी अधिक संख्या में महिलाओं के पूरे गांव के महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व किया है, तो ये हम तो यही कहेंगे कि अच्छी बात नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ उनका अपना भी यही कहना है कि हम लोग उनका विरोध करने के लिए नहीं गए थे, हम तो उनका बल्कि स्वागत करने के लिए गए थे, पर उनके गाड़ियां जो थी इतनी सारी उनके साथ आई थी, तो उनका सिर्फ यही मकसद था कि गांव में बीमारी ना फैले और लोग सुरक्षित रहें, तो उनकी यही इंटेंशन थी, उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी।